वेलकम टू जोहो गुरु। इस वीडियो में हम देखेंगे एम्प्लॉई कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब जब आपके ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो चुकी है या कोई नया एम्प्लॉई आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होता है तो आपको उनको ऐड करना है। यहाँ पे लेफ्ट में नेविगेशन पैनल में एम्प्लॉई का ऑप्शन है। इस एम्प्लॉई के अंदर आपको यहाँ पे नेविगेट करना है ऐड एम्प्लॉई। ऐड एम्प्लॉई में एम्प्लॉई की सारी डिटेल्स फिल करनी है और एम्प्लॉई क्रिएट हो जाता है। एम्प्लॉई की क्या डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे उनका नाम, उनका एम्प्लॉई आईडी यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका जो आईडी होता है वो, जेंडर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन। चलो मैं आपके साथ एक एम्प्लॉय क्रिएट कर देता हूँ। मान लीजिए सचिन जी अपने साथ एम्प्लॉयमेंट में आ गए हैं, तो सचिन आर तेंदुलकर इज द नेम ऑफ द एम्प्लॉय। उनका आईडी है 10, जेंडर है उनका मेल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2023 से मेरे साथ ज्वाइन कर दिया। फिर डेजिग्नेशन से मान लीजिए ही इज माई टीम मेंबर। यहाँ पे आप नया डेजिग्नेशन भी टाइप कर सकते हो। इज ही अ डायरेक्टर? नो, इज नॉट अ डायरेक्टर। उनका वर्क ईमेल एड्रेस क्या है? जो भी उनका वर्क ईमेल एड्रेस है वो एक बार यहाँ पे आपने सेट कर दिया तो चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। आपको एक ही बार में उनका ईमेल एड्रेस सेट करना है। तो इट इज रिकमेंडेड उनका पर्सनल ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, या अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका उनका नाम के साथ ईमेल एड्रेस बनता है जैसे sachin@skrati.com तो आप उनका वैसे ईमेल एड्रेस कर सकते हो। बट अगर वो आपका डेजिग्नेशन का ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हैं यानी account@skrati.com ये वाला ईमेल एड्रेस अगर वो यूज कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उस पोजीशन में अगला जो बंदा आएगा उसको आप सेम ईमेल एड्रेस नहीं दे सकते। सो वर्क ईमेल एड्रेस हैज टू बी यूनिक फॉर एवरी एम्प्लॉई। सो एनश्योर यू इधर यूज देयर नेम स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस और पर्सनल ईमेल एड्रेस। देन वी आर गोइंग ऑन टू डिपार्टमेंट। वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? तो मेरे सचिन जी जो है वो अकाउंट में काम कर रहे हैं। कहाँ पे बैठते हैं वो? हेड ऑफिस मेरे कांदिवली में बैठते हैं। क्या उनको एम्प्लॉय पोर्टल एनेबल करना है? हाँ, एनेबल करना है। उनको पीएफ एप्लीकेबल होता है क्या? अगर होता है तो यहाँ पे उनका यूएएन नंबर डाल सकते हो। वो कुछ दिनों बाद जब यूएएन नंबर आ जाता है तभी भी अपडेट कर सकते हो। क्या उनको पेंशन स्कीम एप्लीकेबल है ईपीएफ के अंदर? है तो इसको टिक करना है, नहीं है तो नहीं करना है। ईएसआईसी एप्लीकेबल है तो यहाँ पे करना है। जिन लोग को ईएसआईसी के बारे में पता हो तो उनको पता है कि 21,000 जब क्रॉस होता है तब ईएसआईसी अपने आप एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पे नीचे लिख के भी आ रहा है नोट्स में। तो जोहो ये इस चीज़ को जानता है। और अगर आपके सैलरी रिविजन के बाद आपके एम्प्लॉय का सैलरी 21,000 के ऊपर जाता है तो जोहो उसे अपने आप ईएसआईसी से बाहर निकाल देता है। फिर पीटी एप्लीकेबल है तो इसको एप्लीकेबल करना है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें फिल हो गई। आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हो अपने चार टैब्स है, चार ऑप्शंस है, उसमें से पहली चीज़ हो गई हमारी। अब हम सेट करेंगे उनका सैलरी स्ट्रक्चर यानी उनका जो सीटीसी लकी हो गया हायरिंग के टाइम पे वो यहाँ पे हम फीड कर देंगे। तो मान लो मेरे अकाउंट्स में जो सचिन जी बैठ रहे हैं उनका सीटीसी लकी हुआ है 6,50,000। तो 6,50,000 यहाँ पे डाल दूंगा। जो अपने आप पूरा ब्रेकअप ले लेगा 50% ऑफ बेसिक यहाँ पे, उसका 50% एचआर यहाँ पे हो गया, जो बच गया वो पूरा चला जाएगा फिक्स अलाउंस में। अगर मुझे कन्वेंस में कुछ डालना है तो मैं डाल सकता हूँ। मेरे ऊपर है, मान लो 2,500 रुपये मैं कन्वेंस में देना चाहता हूँ। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो फिक्स्ड अलाउंस के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो ये सब सिस्टम कैश रिलेटेड जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप प्रीव्यू क्लिक करोगे तो उसका जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो दिख जाएगा आप। तो उनका कॉस्ट टू कंपनी आ रहा है 54,167 और ईयरली सीटीसी आ रहा है 6,50,000। तो सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन हो गई। फिर जाते हैं उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। उनका पर्सनल ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लो उनका डेट ऑफ बर्थ 4 अप्रैल 1973। उनके पिताजी का नाम यहाँ पे फिट करेंगे। उनका पैन डिटेल्स यहाँ पे आगा, एड्रेस, और इसको हम सेव करेंगे। फिर यहाँ पे नक्की करना है कि उनका जो पेमेंट होगा वो कैसे होगा, चेक में होगा या ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। ऑनलाइन ट्रांसफर होगा तो मैनुअल प्रोसेस सिलेक्ट करके आपको उनके बैंक के डिटेल्स फिल करने हैं। उनके बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC किस प्रकार का अकाउंट है, और उसको सेव करना है। ये जो चार स्टेप है इसमें से एक भी स्टेप आपने छोड़ दिया तो आप अगले स्टेप पे नहीं जा सकते। और जब तक ये चारों स्टेप आप कंप्लीट नहीं करोगे आप पेरोल नहीं रन कर पाओगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इनको चेक देता हूँ और ये सेव कर दिया तो मेरे एम्प्लॉय जो है वो ऐड हो गए। तो अब अगर मैं एम्प्लॉयज़ में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे दिखेंगे सचिन आर तेंदुलकर और पूरा कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है कि पेंडिंग। तो पूरा प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार हम नए एम्प्लॉय को क्रिएट करते हैं।